लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। जिला कोर्ट परिसर में आधुनिक सेवाओं से लैस भवन, जिसमें 12 कोर्ट लगाई जाएंगी। इस नए न्यायिक भवन का उद्घाटन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज तथा हरियाणा भवन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत द्वारा किया गया। यह बहुमंजिला भवन करीब 15 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इस भवन के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी दीवार भी बनाई गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये देखो, आज हमने एक नया एडिशन जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे इनॉग्रेशन की है और इसमें 10 कोर्ट रूम्स हैं। स्टाफ के लिए बहुत सारे रूम्स बनाए हैं, लिटिगेंट्स के लिए और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ और सुविधाएं चाहिए वो सारी हमने इस नए कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड की हैं। नहीं, वो हमारी हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ केसेज हैं जिनको प्रायोरिटाइज करके और टाइम बाउंड मैनर में उनको डिसाइड करने की इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हाई कोर्ट ने दी हुई हैं। और पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें हमें इस बात का गर्व है कि पुराने केसेस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत धीरे धीरे कम हो गई है और बहुत ही कम केस बचे हैं और हमारे ऑफिसर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स और क्वालिटी ऑफ जस्टिस उसमें लगे हुए हैं। देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा ये एक प्रोजेक्ट है और हमने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर सब डिवीज़न में एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो वो सारी प्रोवाइड की जाएं। कंज्यूमर ऑफ जस्टिस जो लिटिगेंट है उसको सारी सुविधाएं दी जाएं और इसके लिए जिन भी एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कॉम्प्लेक्सेस की कमी है वहाँ पर काम चला हुआ है। जैसे गुड़गांव है, वहाँ पर नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कुरुक्षेत्र में थी तो वहाँ हमने नए कोर्ट रूम सिरसा में बनाए हैं, हिसार में बनाए हैं, अभी हिसार में फिर बनाने जा रहे हैं और अभी रोहतक बनाए हैं, सोनीपत में बनाए हैं। तो हर जगह हम जहाँ पे होता है और इसमें सरकार की तरफ से हमें पूरा कोऑपरेशन है, पूरा बजट मिलता है और उसका हम पूरे साल के प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करके हम लगे हुए हैं। नेशनल बस के लिए कुरुक्षेत्र से शिवचरण तंवर की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।